चामड़ी चोखट ता टुरका आज चार धाम आए देन मड़ राम आए देन अम्मा सीता नाल आए देन प्रा लक्ष्मण होर भक्त हनु मान आए देन बजाओ टोल स्वागत बीच मड़े कार राम आए देन। हमारे पीएम मोदी जी ने 11 दिनों का व्रत रखा है। प्राइम मिनिस्टर ने ये संकल्प राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की नेक आमद में रखा है। आज पूरा मुल्क राम गीत गुनगुना रहा है और इसमें हमारा जम्मू और कश्मीर भी पीछे नहीं है। मेरा नाम सईदा बतूल जहरा है और मैं उड़ी बारामूला से हूँ। तो मेरा जो अभी मैंने अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में एक भजन गाया है राम जी पे, तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो मैंने रिसेंटली एक जुबीन नोटियाल का देखा, मैंने उन्होंने हिंदी में एक भजन गाया था, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसे अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में गा के इसे रिकॉर्ड करके पोस्ट करती हूँ। तो जो कश्मीर अहेडे में उनके साथ काम करती हूँ, उन्होंने मेरे इस जो भजन मैंने गाया था उसको पोस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है। जो अभी प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने भी मेरी ये पोस्ट की है। जरा लाइनें दो चार। मड़ी चोखट ता टुरका आज चार धाम आए देन मड़े राम आए देन अम्मा सीता नाल आए देन प्रा लक्ष्मण होर भक्त हनु मान आए देन बजाओ टोल स्वागत बीच मड़े कार राम आए देन। और क्या कहना चाहोगी? और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे अयोध्या में अभी राम मंदिर का आगाज होने जा रहा है, तो मेरा ये मानना था कि लोग कहते थे कि जम्मू कश्मीर के लोगों का इस चीज़ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन अब मैं ये उनको रॉन्ग प्रूफ करना चाहती हूँ। हमारा भी कंट्रीब्यूशन है, जब वो हमारी मस्जिद की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, हमारे दरगाह जो है दरगाह पे आते इतने टूरिस्ट उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम क्यों नहीं उनके राम मंदिर की रिस्पेक्ट कर सकते हैं। और पहली सबसे बड़ी मैसेज ये है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। मैं सैयद कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि आप जिस वतन में रहते हैं आप उससे मोहब्बत करें। तो मैं इंडिया में रहती हूँ, मेरे दिल में इंडिया के लिए रिस्पेक्ट है, हमारे जो एलजी साहब हैं उनके लिए रिस्पेक्ट है, क्योंकि उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया और बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हमारे लिए। मेरे फैमिली जो मेरे पापा हैं वो पहाड़ी सिंगर हैं, आरिफ काजमी नाम है उनका। तो हम तीन बहनें हैं, हमें कोई भाई नहीं है, पर लेकिन मेरे मम्मी पापा ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कभी ये चीज़ नहीं कहा कि तुम बेटी हो तुम घर से बाहर नहीं निकलो। मैं अपने पापा के साथ पूरा इंडिया घूम के आई हूँ और शायद ही बारामूला में कोई ऐसी लड़की है जो पूरा इंडिया देख के आई हूँ। तो मैं बहुत सारी जगह पे अपने पापा के वजह से गई, तो थैंक्स टू माय पेरेंट्स जिनकी वजह से अभी मेरे साथ ये सब हो रहा है। ये भजन गाने का शौक आपको पहले से ही था या बाद में? मैं सिंगिंग करती थी, पर मेरे माइंड में अचानक ये कंसेप्ट आया कि राम मंदिर बनने जा रहे हैं, तो उस पर मेरा भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो मैंने अपनी इसी वजह से अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में ये गाना लिखा और मैंने उसे रिकॉर्ड किया और पोस्ट किया। कितने टाइम में ये लिखा आपने? तो मैंने शायद ये 10-15 मिनट में मैंने इसको लिखा अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में, और मैंने कोई बड़ा स्टूडियो में रिकॉर्ड नहीं किया, एक सिंपल से फ़ोन पे किया, अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड किया। तो मड़ी चोखट ता टुरका आज चार धाम आए देन मड़े राम आए देन अम्मा सीता नाल आए देन प्रा लक्ष्मण होर भक्त हनु मान आए देन बजाओ टोल स्वागत बीच मड़े कार राम आए।